तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीनदयाल सभागार झांसी में आयोजित हुआ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को बड़ी भूमिका मिली है। तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछड़ों व दलितों को मिल रहा है भरपूर सम्मान। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों व दलितों को अभी तक जिस तरीके का सम्मान मिला है, किसी भी दल में नहीं मिला इस तरह का सम्मान। तो आपको बता दें कि झांसी स्थित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें प्रतापगढ़ के सांसद मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संगमलाल गुप्ता मौजूद रहे। और आपको सीधे लिए चलते हैं, आपको सुनवाते हैं, संगमलाल गुप्ता फोन लाइन पर प्रजातंत्र टीवी पर जुड़ चुके हैं। संगमलाल जी, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा है कि किसी भी दल में पिछड़ों व दलितों को सम्मान नहीं मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? झांसी में जी पिछड़ा मोर्चे का आज एक सम्मेलन था जी, क्योंकि पिछड़े वर्ग समाज से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी 27 ओबीसी समाज को पूरे देश से मजबूत बनाया है। इसके लिए ओबीसी समाज ने दो धन्यवाद देखा है और सब समाज उसी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें हम अभी भेजते हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल की जो फीस की पढ़ाई है, तो मेडिकल में हमारे बच्चे उसमें 27% आरक्षण देके ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन सांसद जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप सम्मेलन कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, उसे विपक्षी जातिवाद की राजनीति बता रहा है। नहीं, जातिवाद की राजनीति नहीं है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो हर समाज में जो समाज दबा हुआ है उसको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो तो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे एससी समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज से हो, चाहे अदर किसी समाज से हो, उसको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार करती है।